तो आज हम बनाने वाले हैं सत्तू का पराठा, बिल्कुल बिहारी और झारखंड स्टाइल में। बहुत ही फेमस होता है ये सत्तू का पराठा और लिट्टी, जो भी हो बहुत ही स्वादिष्ट सत्तू बनता है। सबसे बेस्ट होता है सत्तू का मसाला जो हम बनाते हैं। तो पहले यहाँ हम बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में एकदम महीन महीन काट लिए हैं प्याज और हरा मिर्च। आप चाहें तो इसे चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद हम अदरक और लहसुन को कूट कर ले लेंगे। आप चाहें तो पीस में छोटा छोटा उसको भी चॉप कर सकते हैं। यहाँ पर हम ले लिए हैं 2-4 चम्मच, बड़ा वाला चम्मच से सत्तू। उसके अनुसार ले लिए हैं नमक, अब यहाँ पर हम ले लिए हैं अजवाइन, मंगरेला अजवाइन। मेरे पास हरा धनिया नहीं है, आपका पास अगर हरा धनिया है तो धनिया पत्ता भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डाल सकते हैं। बहुत ही टेस्टी होता है, उससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और कच्चा सरसों का तेल बहुत जरूरी है इसमें डालना, इसका स्वाद बहुत ही अलग होता है। 2 चम्मच के 3 चम्मच के लगभग है सरसों तेल। और ये ले लेंगे हम, आप चाहे नींबू डाल सकते हैं इसमें। पुराने आम का जो कूचा अचार होता है उसको हम डाल दिए हैं हाथ से मिसलकर, और मसालों के साथ अचार का जो मसाला होता है उससे सत्तू का मसाला बहुत ही टेस्टी होता है। अभी इन सबको हम अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि प्याज में भी होता है थोड़ा पानी, और अदरक लहसुन को भी कूट कर डाले थे हम। अब आटा को भी हम गेहूं के आटे को हम अलग तरह से गूंथेंगे, हेल्दी आटा बनाएंगे आज। ये जो दाल बच जाता है कभी कभी, उसी से हम इसका आटा तैयार करेंगे। गेहूं का आटा है और ये मिक्स दाल है जो बच गया था, उससे बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रोटी पराठा बहुत ही हेल्दी होता है। आप जरूर एक बार बनाकर ट्राई करें, बच्चों को पता भी नहीं चलता है। इस तरह हम कटोरी के साइज में लेकर छोटे छोटे, देखिए चम्मच से हम कितना ज्यादा स्टफिंग भरे हैं। ये नहीं है कि थोड़ा सा, और फटेगा भी नहीं पराठा। आटा थोड़ा सा गीला रखने से पराठा नहीं फटता है, आटा को हार्ड नहीं बनाना है। और सत्तू भी थोड़ा सॉफ्ट है, दम सूखा नहीं है। तो इस तरह हम दबा दबा कर भर लिए हैं सत्तू। अब देखिए इसमें थोड़ा सूखा आटा लगाकर हम इसको जितना चाहे पतला एकदम बेल सकते हैं, जबकि इसमें प्याज भी डाला हुआ है कच्चा, फिर भी ये पराठा फटेगा नहीं। और मैं इसमें से देखिए सत्तू प्याज कुछ फट के निकला है, बहुत ही अच्छा बनता है ये पराठा। इसमें आप चाहें तो घी या सरसों तेल या रिफाइन कुछ भी डालकर बनाइए अपने पसंद अनुसार। इस तरह हम इसको गोल्डन फ्राई कर लेंगे, रोटी को सेक लेंगे गोल्डन। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है इसमें पराठा में। इसको थोड़ा धीमे आंच में सेकने से बहुत ही क्रिस्पी पराठा बनता है। गैस को कम करके धीरे धीरे आंच में इसको सेक लीजिए। फिर दूसरा पराठा भी उसी तरह डाल दिए हैं। देखिए पराठा बेलने समय टूटा नहीं है, फटा नहीं है हमारा। इस तरह अगर आप भी घर में बनाएंगे तो पराठा आपका फटेगा नहीं। देखिए इस तरह दबा दबा कर धीमी आंच में हम क्रिस्पी पराठा तैयार कर लेंगे।
बहुत ही कम रिफाइन या तेल या घी डालकर ये बहुत ही अच्छा सिक जाता है। आप चाहे तो इसे नाश्ता में, लंच में ले जा सकते हैं, इसे अचार रायता के साथ भी खा सकते हैं। देखिए सारा पराठा हम जल्दी जल्दी इसी तरह धीमी आंच में सेक लिए हैं। देखिए कितना अच्छा से फूल जा रहा है पराठा, सभी पराठा इसी तरह बनकर तैयार है। तो एक बार आप घर में जरूर ट्राई करें, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दें।